हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग आज नए इकाई को पढ़ेंगे, इकाई 5 उष्मा एवं ताप। इस इकाई में हम लोग जिन टॉपिकों को पढ़ेंगे उनमें जो है ताप का मापन है, उष्मा का मापन एवं निर्भरता है, उष्मा स्थानांतरण की विधियां, उष्मा चालन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, उष्मा के सापेक्ष अवस्था परिवर्तन, द्रव्यमान एवं क्वथनांक का परिचय, दैनिक जीवन में उष्मा का प्रभाव तथा वस्तुओं पर उष्मा के प्रभावों का उपयोग, इन टॉपिकों को इस इकाई में पढ़ा जाएगा, जिसमें हम पहले ताप के बारे में जाने की ताप है क्या। आप जानते हैं कि सर्दी के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हमें गर्मी मिलती है। इसके विपरीत गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े पहनते हैं और हमें छांव में बैठना अच्छा लगता है। गर्मी में घरों को ठंडा रखने के लिए हम पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, इन सब का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार दैनिक जीवन में भी हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, उनमें से कुछ वस्तुएँ ठंडी जैसे बर्फ है, आइसक्रीम है, तथा कुछ वस्तुएं गर्म जैसे चाय है, सूप है, न प्रतीत होती है। हम अगर ताप के बारे में जाने, ताप है तो ताप को बस यही कह सकते हो, किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडे पन की माप, किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडे पन की माप को हम ताप कहते हैं। किसी वस्तु की गर्माहट अथवा जो ठंडे पन की माप है उसी को हम ताप कहते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है ताप का मापन, जो अगला हमारा टॉपिक है वह ताप का मापन। हम एक एक्टिविटी के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे पास 3 पात्र हैं। पात्र 1 में बर्फ का पानी, पात्र 2 में गर्म जल तथा पात्र 3 में सामान्य पानी। हमारे पास 3 पात्र हैं। एक पात्र में जो है क्या है, बर्फ का पानी है, बर्फ का पानी। दूसरे पात्र में क्या है, गर्म पानी है, ठीक है। दूसरे में गर्म जल हो गया। तीसरे में जो है सामान्य पानी, सामान्य जल, ठीक है। हमारे पास 3 पात्र हैं, ये 3 पात्र हैं, तीनों में अलग अलग प्रकार के पानी, ठीक है। अब पात्र 1 में बायां हाथ अथवा उंगली तथा पात्र 2 में दायां हाथ या उंगली डाले, जो दोनों पात्र हैं, दो, एक में गर्म पानी है, गर्म जल है, एक में बर्फ का पानी है। दोनों में जो है अपने दोनों हाथ की, एक में बाएं हाथ की उंगली, एक में दाएं हाथ की उंगली डालिए और यह उंगली डालिए। इसके बाद 2 मिनट तक रखिए। 2 मिनट के उपरांत दोनों हाथ एक साथ पात्र 3 जो सामान्य पानी है, जो एक हाथ बर्फ वाले पानी में था, एक गर्म पानी में था, दोनों को 2 मिनट रखने के बाद फिर उसको अपने हाथ निकाल के सामान्य जल वाले पात्र में डालना है। अब क्या होता है कि दाएं हाथ को पात्र 3 का पानी गर्म प्रतीत होता है, जबकि बाएं हाथ को पात्र 3 का पानी ठंडा होता है। जो हमारा हाथ जो है बर्फ में था ना, जो बर्फ वाला हाथ था उसको जब सामान्य पानी में डालते हैं तो वह पानी जो सामान्य पानी है उसको गर्म महसूस होता है, जो बर्फ वाला हाथ है। लेकिन जो गर्म पानी से ठंड, जो गर्म पानी वाला हाथ है जब उसको हम सामान्य पानी में डाल देते हैं तो उसको कैसा लगता है, ठंडा प्रतीत होता है। इसका कारण है कि यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से गर्म है तो हमें गर्म प्रतीत होगी, और यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से ठंडी है तो हमको ठंडी प्रतीत होती है। इसमें हमने इस क्रियाकलाप यही जाने से एक्टिविटी से हमको पता चला कि जब कोई वस्तु हमारे शरीर के तापमान से, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से गर्म है, ठंडा है, तो उसी प्रकार हमको वह प्रतीत होता है। जैसे बहुत ठंडे स्थान से किसी वस्तु को हम सामान्य पानी में आए तो गर्म पानी महसूस होता है, लेकिन गर्म पानी गर्म स्थान से ठंडे पानी में आए तो
ठंडा प्रतीत हुआ, स्पर्श इंद्रियों द्वारा किसी ताप का अर्थात गर्माहट अथवा ठंडे पानी का ठंडेपन का अनुभव विश्वसनीय नहीं है। इसलिए किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट की सही सही माप एक भौतिक राष्ट्र द्वारा जो ताप द्वारा व्यक्त की जाती है, इस राष्ट्र को मापने के लिए ताप मापी अथवा थर्मामीटर यंत्र का उपयोग। देखिए, हम शरीर के गर्माहट और ठंडेपन से किसी का वास्तविक मेजरमेंट टेम्परेचर का नहीं कर सकते। इस माप के लिए हमारे पास जो है ताप मापी यंत्र होना चाहिए, और यह जो ताप मापी यंत्र है यह थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। थर्मामीटर दो है, एक जिसका उपयोग हम लोग लेबोरेटरीज में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं, और एक थर्मामीटर होता है जिसको डॉक्टर जो है शरीर के तापमान को नापने के लिए उपयोग करता है। पहले ताप मापी को हम देखें, जो लेबोरेटरी में जो प्रयोगशाला थर्मामीटर उपयोग होता है उसके बारे में जाने। ताप मापी या थर्मामीटर वह यंत्र है जो ताप मापने में प्रयुक्त होता है। दैनिक जीवन में प्रयोग के आधार पर यह सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, एक प्रयोगशाला में यूज होने वाला। यदि किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप सामान्य ताप से बढ़ जाता है, जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, प्रयोगशाला में किसी वस्तु का ताप प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ज्ञात किया जाता है। सामान्यतः तापमापी कांच की एक पतली नली की तरह होती है। इस नली का निचला सिरा बल्ब की आकृति का होता है। इस बल्ब में पारा या अल्कोहल भरा होता है तथा दूसरा सिरा बंद कर देते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक चिन्ह बने होते हैं तथा बल्ब के पास कुछ मुड़ी होती है, जिसके कारण बुखार नापने के बाद ताप मुंह से निकलने के बाद भी पारा अपने आप नीचे नहीं आता और पाठ्यांक रीडिंग लेने में आसानी होती है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का भी उपयोग होने लगा है, जिसमें तापमान सीधे अंकों में प्रदर्शित होता है। अगर स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप बात किया जाए तो वह होता है, अगर सेल्सियस बात किया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अगर फारेनहाइट में हम बात करते हैं तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। अब थर्मामीटर से ताप नापना, सावधानियां, प्रयोगशाला थर्मामीटर, इन सब पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।